اه اه على الحسن العبقى فالورد تطوع وعد बिल्ल मिनजीम बसमीम अल्हदुल्ल अबिलमी वसला तोलामोबीबलूबिन तबीब नफुसिन व शफ़ीआ जनूबिना अफजलवलैी वशरफिलाकर العبد الميت الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المزدومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر अद्दीन आमन वामिलहत व तवास बिल्क़ व तो्र मोमिन कराम आज आपके खदमत में जिस मौजू और जिसवान के हवाले से गुफ्तू करना है वो मौजू आमल की ज़रूरत और अमल की अहमियत और सिर्फ़ अमल जो है वो इंसान के लिए बास नजात है और सरमा नजात है इस हवाले से कुछ गुफ्तु जो है वो पेश करना है आयात और रिवायात आपके ख़मन में बयान करने से पहले ख़ुलास मतलब ये है क़रन पाक की मतद आयात में और इसी तरीक़े से आल मोहम्मद के इर्शादात में हमें बहुत ज़्यादा अमल की ताक़द की गई है और अमल की सिफारिश की गई है और इंसान का जो सरमा नजात है जो आमिल नजात है खुद खुशबी और शादत का जो असास और बुनियाद है वो इंसान की आमाल और इंसान की इबादत और इंसान की बंदगी है जितना ज़्यादा इंसान के अमाल होंगे इबादत होंगे उतना ही जो है दुनिया में भी उसके लिए मकाम है मरतबत है और मंजिलत है और कयामत में भी जितने भी दर्जात हैं और जितनी भी खुदा की नमतें हैं रहमतें हैं इनायात हैं ये सब के सब हैं। जो, है, जो है वो अमल की बुनियाद पर और अमल की वजह से इंसान को दिए जाते हैं यानी इंसान के जो मरातब है इंसान के जो दर्जात हैं वो अमल की वजह से है जितना अमल ज़्यादा है उतना उसका दर्जा बुलंद है उतना उसका मकाम बुलंद है लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई और चीज़ अमल से हट कर और अमल के अलावा जो है वो इंसान के लिए बायस नजात हो दुरुस्त इंसान के लिए खुदा की रहमतें भी आमिल नजात है आइमा की शफात भी और आइमा की इनायात भी हमारे लिए से नजात है लेकिन असासी और बुनियादी तौर पर जो चीज़ इंसान के लिए आमिल नजात के तौर पर कुरान ने मारफी किया है और अलबैद ने हमें बयान किया है जो इंसान की दौलत है इंसान का जो सरमा है और इंसान की नजात का जो वसीला और ज़रिया है वो इंसान के आमाल हैं उसकी ज़िंदगी की जो बेहतरीन इताते हैं इबादत हैं खिदमतें हैं नेकियां हैं एहसानात हैं ये इंसान के लिए बायस नजात और बायस खुशबखती है और बास दर्जा की बास ब बुलंदी दर्जात है चनाची इस मतलब को कुरान पाक की मुतद आयात में बयान किया गया है और इसी हकीक़त को और इसी पैगाम को देते हुए खालिक दुजहा ने के अमल और ईमान ही इंसान के लिए सरमा नजात और आमिल खुशबीती है इसी मतलब को बयान करते हुए मुकम्मल सूर जो है सूर्य मुबारक असर को नाजिल फ़रमाया है सर असर में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खा कर इस मतलब को वाज और महकम तौर पे बयान किया है कि इंसान के लिए नजात मुमकिन नहीं है शहादत मुमकिन नहीं है और कयामत के अकाब से दुनिया के मुख्तलिफ बलाओं से मुसीबतों से या फिर क़ब्र के अजाब से हशर के अजाब से इंसान के लिए नजात और इंसान के लिए खुशबी और कामयाबी मुमकिन नहीं है मगर चार आमिल बयान किया है ये चार चीज़ें अगर किसी में है तो क़ुरान उसे साहेब नजात समझता है और उस शख़्स के लिए ख़ुशखबरी की बशारत देता है और अगर ये चार चीज़ें किसी की ज़िंदगी में नहीं हैं तो तमाम के तमाम इंसान खसारे में है धोखे में है और वो नुकसान में है और गाटे में है वलअर इन इंसान लफी खसुर कसम है ज़माने की कि तमाम के तमाम इंसान खसारे में है धोखे में है नुकसान में है उसके लिए नजात नहीं है और उसके लिए जो है वो कामयाबी नहीं है वलअर ज़माने की कसम इंसान यकीन इंसान अल इंसान से मोरद तमाम के तमाम इंसान हैं हमारे अहल अदब और ना हो सरफ़ के उलमा फ़रमाते या इंसान में जो फ़िल्म है वो जिन से, यानी तमाम इंसानों को शामिल है उसके बाद फिर इसतना किया गया है कौन आ, साहिबाने नजात हैं कौन कामयाबी पाने वाले हैं खुशबी के मालिक कौन है फिर आयत ने इसतना किया वलाआसरिनल इंसान खसर कसम है ज़माने के तमाम इंसान खसारे में है तमाम इंसान مش... آ... गाटे में है तमाम इंसान अजाब में है मुश आख़रत में जो है घाटे में होंगे मगर अज़ीन आमनु व आमिलिहात अब अवामिल नजात को बयान किया जा रहा है क्या चीज़ें नजात की सबब है वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए नजात का वसीला है खुशबी का वसीला है जन्नत का ज़रिया है दर्जात के ज़रिया है सबसे पहली चीज़ जो आमिल नजात है वो ईमान है ख़ुदा की तोहद को कबूल करना नबियों की नबूत को कबूल करना कयामत को कबूल करना और जितने भी प्याम हक़ हैं अम्बिया जो कुछ पैगाम बशर के लिए लेके आए हैं उन तमाम पैगाम हक़ पर ईमान लाना ये ईमान आमिल नजात है यानी इसका मतलब यह है जब तक के इंसान ईमान ना लाए नजात का तस्वूर नहीं है कामयाबी का तस्वूर नहीं है बोलो वो दुनिया का बहुत बड़ा इंसान है बहुत दौलतमंद इंसान है सरमायादार इंसान है और इंतहाई जाल हो मकाम रखने वाला बड़ा बादशाह है दुनिया का अजीम इंसान है लेकिन अगर उसके पास ईमान नहीं है तो वो साहेब हसारत है वो साहिब जलालत है वह गुमराही का मालिक है जो चीज़ गुमराही से निकालने वाली चीज़ है वो इंसान के लिए सबसे पहली चीज़ ईमान है ईमान आमिल नजात है ईमान आमिल खुशबी है फिर ईमान तन्हा भी काफ़ी नहीं है ईमान वो ला चुके हैं वो खुदा को मानता है अम्बिया पर ईमान लाता है और इसी तरीक़े से क़यामत को भी मानता है शरीयत की तमाम अहकाम और तमाम कवानीन को तमाम प्याम को कबूल करता है तस्लीम करता है लेकिन किसी पर अमल नहीं करता नमाज़ पढ़ो कहता तो नमाज़ नहीं पढ़ते जक़ात दो कहता तो जक़ात नहीं देते और जब ख़वातिन से कहा गया कि हिजाब करो तो हिजाब नहीं करते सच बोलो बो तो सच नहीं बोलते हराम मत खाओ बोलते तो हराम खाते हैं झूठ मत बोलो तो जो झूठ बोलते हैं गईबत ना करो बोलते तो गबत करते हैं सारे गुनाहों को बजा लाते हैं तो इस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है ये ईमान बायस नजात नहीं है ये ईमान आपके लिए सदत की जो है बुनियाद नहीं है वो ईमान आपके लिए बायस शादत है जिस ईमान के ज़रिए से इंसान अमल सालिह को बजा लाए यानी वो ईमान जो अमल की तरफ इबादत की तरफ बंदगी की तरफ दावत देने वाला हो वो ईमान आपके लिए आमिल आप नजात है लिहाजा फरमाया कि वसरसान खसरज़ीना आमनो अमिलहत ईमान लाने वाले उनके लिए नजात है तनहा ईमान भी बायस नजात नहीं है बल्कि व आमिलहत ईमान के साथ साथ अमले साले करने वाला इंसान हो यानि क़ुरान ने जिस चीज़ को आमिल नजात करार दिया है वो ईमान और अमल सालह है और न सूरह सूर के असर में है मुतद आयात में ये पैगाम दी गई है साठ से ज़्यादा मकाम पर अज़ीन आमनो व आमिलसालत का लफ्स को तकरार किया गया है और ये पैगाम देना चाहता है परवरदिगार आलम कि अगर तुम नजात आ, आ, हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारा अकायद का असला जरूरी है फ़िक्र की असलाह जरूरी है नज़रिए असला जो है ना वो ज़रूरी है और वहाँ तुम्हारे किरदार का जरूरी है अखलाक का असलाह ज़रूरी है इस फिक्र की असलाह का नाम नजरिए की असलाह का नाम ईमान है ईमान यानी दुरुस्त तमाम अकायद को अपने दिल में बसाना अपनी फिक्र में महकम और मजबूत करने का नाम जो है ना वो ईमान है लिहाजा जितने भी सही अकायद और दुरुस्त नज़रियात को अपने दिल में आप बसाना चाहिए अपनाना चाहिए उसको मुकम्मल तौर तो पर अपने दिल में बैठाएं बेहतरीन नज़रियात के मालिक हो बेहतरीन आकैदे का मालिक हो फिरदा दुरुस्त होने के साथ साथ बेहतरीन किरदार का मालिक हो बेहतरीन आमाल का मालिक हो बेहतरीन इबादात का मालिक हो ये दो आमिल परवाज़ है फिर इंसान अपनी महराज और अपनी बुलंदियों की इंतहा तक जो वो पहुंचता है वो पहुँचता है लिहाजा कुरान ने जो आमिल नजात बयान किया सबसे पहला जो है वो ईमान है दूसरा जो है वो आमिल सालि है और तीसरा जो है वह तो एक दूसरे को हक़ की तलक़ीन करते रहे हक़ की सिफारिश करते रहे यानी अगर बाप है तो ख़ुद का नमाजी होना काफ़ी नहीं है अपनी औलादों को भी हक़ की नसीहत करें उनको भी नमाज की तलकिन करें उनको भी रोज़े की तलकिन करें उनको भी जो है न वाजिबात की जो है ना वो तालीम दे फू सकुम वाहली कुमन नारा तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाना है और अपने आहलोयाल को भी जहन्नम से बचाना है शोर के तहरीम के क्या थे यानी इंसान की ज़िम्मेदारियों को बयान करते हुए मोमिन की जिम्मेदारी को बयान करते हुए परवजगार ने फरमाया कि किफु सकुम वाहली कुमन नारा तुमने अपने नफ़्स को भी अपनी ज़ात को भी जहन्नम से बचाना है या काबिला से बचाना है सिर्फ़ अपने आप को बचाना काफ़ी नहीं है तुम्हारी ज़िम्मेदारी मज़ीद और है अपने आहलयाल बीवी को और बच्चों को घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना और इसी आयत के जेल में रिवायत है कि जब यह आयत नाजिल हुई को अनफु सकुम नारा कुम ना कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ तो असहाफ़ इंतहाई घबरा कर परेशान होकर पैगम्बर के खिदमत में आए कहा या रसूल अल्लाह हमें अपने नफ्सों का जो है वो जहन्नम से बचाना और अकाब से बचाना बहुत मुश्किल था लेकिन ख़ुदा ने एक और ज़िम्मेदारी जो है ना हमारे ऊपर आयद किया है और एक और ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दिया है कि अपने अह्आयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ तो पैगम्बर से आर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कई फ़नकी अहलनान्नार हम कैसे अपने अहलो को जहन्नम की आग से बचाएँ तो पैगम्बर ने फरमाया जिस तरीके से तुम खुद वाजिबात पर अमल करते हो फरज़ को अंजाम देते हो और गुनाहों से मासीतों से तुम खुद रुकते हो इसी तरीके से अपने आयाल को वाजबा की तालीम दो उन्हें भी नमाज़ पढ़वाओ उन्हें भी रोज़े जो है ना वो रखवाओ और उन्हें भी जो है ना वजबात की जो है ना वो पाबंद करो और जिस तरीके से तुम खुद झूठ नहीं बोलते ग़ेबत नहीं करते हराम नहीं खाते मासीत नहीं करते इसी तरीके से अगर तुम्हारा बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तुम्हारा बच्चा माज अल्लाह गलत फिल्में देख रहा है तुम्हारा बच्चा खुदा ने उसके किरदार गलत है उसकी भी इसलाह करना तुम्हारे ऊपर जो है वो वाजिब है और ये इंतहाई अब इस दुनिया की ए... मुश्किल में से इंतहाई मुश्किल और पेचीदा मसला यही है कि बहुत सारे वालदे हैं नेक हैं साले हैं माशरे के जाने पहचाने और इंतहाई बाज़्ज़त लोगों में से हैं लेकिन औलाद की फिक्र नहीं है औलाद का ज़रा बर ख्याल खया, ख्याल नहीं है ख़ुद मस्जिद के नमाजी हैं हमेशा मस्जिद में जा रहे हैं और बच्चों को कोई परेशानी नहीं है बच्चों को ख्याल ही नहीं है कोई फिक्र ही नहीं है आयत कह रही है जहाँ तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए जहाँ तुम अपनी नजात के लिए कोशिश कर रहे हो वहाँ औलाद के बारे में फिक्र करो औलाद के बारे में सोचो यहाँ जहाँ तुम खुद नमाज जुमे के लिए जाते हो मुतद रवायात में है कि अपने औलाद को भी जमा नमाज के लिए ले चले जाओ उनको भी जमात की पाबंद बनाओ उसको भी नमाज जुमे की पाबंद बनाओ उनको क्या पता जुमे के दिन क्या करना है जुमा को कैसे पढ़ा जाता है और नमाज का क्या तरीका है जब तुम प्रैक्टिकल उनको सिखाओगे अमलन तुम्हें तुम उनको बजा लाने का ला के दिखाओगे तो वो फिर याद करेंगे फिर इस पर जो अमल करोगे और इसी वजह से इस रिवायात में आया है औलाद जब नेक आमाल को बजा लाते हैं और उसको अंजाम देते हैं तो अगर माँ बाप दुनिया से चले भी जाएँ तो उसकी नकियाँ जो है जारी रहती है उसका अमल का सिलसिला जारी रहता है इसलिए कि औलाद की जो इबादतें हैं उसकी जो नमाज़ें उसकी जो रोज़े हैं उसकी जो अमाल है वो हकीकत में वालिदैन के अमाल हैं लिहाजा कुरान ने हमें जो नजात का जरिया बयान किया है वो अमल करना है लेकिन अमल में तन्हा ख़ुद का अमल करना काफ़ी नहीं है अपने अह्याल को भी अपने बच्चों को भी नसीहत और हिदायत करना उन्हें भी राय हक़ पलाना और उनको भी नेकियों की पावन आमल की पावन बनाना ज़रूरी है इसलिए सूरह असर में आया व तो बिल़ हक़ हक की वसीयत करते रहना अपने बच्चों को हक़ की तालीम देना उनको हक़ जो है ना वो सिखाना हक़ बोलने की जो है वो तलकिन करना और चौथी चीज़ जो आमिल नजात है व तो बिल हक़ व बिल सब्र सब्र बहुत असासी और बुनियादी शई है कि इसके बगैर इंसान कामयाब नहीं हो सकता है इसके बगैर इंसान हक़ पर वाकई नहीं रह सकता है सब्र के बगैर बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों में इंसान दीन हक़ पर कायम व दायम नहीं रह सकता है लिहाजा सब्र वो बुज़ुर्ग तरीन आमिल है जो इंसान को मुश्किल के मौके पर और हवादिस के मौके पर या फिर इताआत के लिए इबादत के लिए जो है इंसान को इस्तकामत देने वाली और इंसान को ताकत देने वाली जो चीज़ है वो सब्र है फरमाया जहाँ तुम खुद सब्र करोगे दूसरे को भी सब्र की तलकिन करते रहना सब्र की सिफारिश करते रहना लिहाजा सूर्य मबारक असर में चार चीज़ें बुनवान आमिल नजात सबसे पहली चीज़ ईमान है दूसरी चीज़ अमल साल है तीसरी चीज़ जो है वो हक़ की तलकिन और हक़ की सिफ़ारिश है और चौथी चीज़ जो है वो सब्र की तोसिया है शब्र की जो है वो सिफारिश है लिहाजा इस शुरे का जो असासी और बुनियादी पैगाम है ईमान और अमल साले के बग़ैर इंसान के लिए कामयाबी और खुशबी और नजात मुमकिन नहीं है अब अगर आप नजात चाहते हैं तो जो कुछ आपको कहा गया है अब तक बताया गया है अलहमदिल्ला बंदा हकीर को भी इसी दर से अखलाक की तवसत से आपको बहुत सारे अखलाकी कवायद अखलाक बेहतरीन अखलाक की जो है सिफ़ात बताने का और उसके साथ साथ जो अखलाकी रजाइल है खामियाँ ये सब आप तक पहुँचाने का मुझे तोफ़ी थी आप इन पर अगर अमल करेंगे तो आमिल नजात है अमल जो है वो वाइस नजात है बहुत खूबसूरत कहा अचानक मेरे जहन में अलाम के जो शेर आया अल्लामा अकबाल के अशार वाकन इंसान साज है बेहतरीन पैगाम उस उनके अशार में मौजूद है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकि अपनी फितरत में न नूरी है न ना नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती है आपकी जो ज़िंदगी बनाने वाली जो चीज़ है वो आपका अमल है वह आपका किरदार है वह आपकी आमाल है वह आपकी इबादत हैं अगर आप अहल अमल है तो आपकी ज़िंदगी बन गई है दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त है मकाम है मंजिलत है वाकन जो अहले इबादत है उनकी दुनियावी ज़िंदगी भी बन जाती है हमारी मतद्द रिवायात में है ये तमाम के तमाम जो आमाल है वो न तना उवी कामयाबी के लिए है वो न तन जन्नत के लिए है न तन आखरत की जो है वो नजात के लिए है जितने भी आमाल है उसमें दोनों पहलू मुजमर है दुनिया में भी आमिल शत और नजात ये आमाल हैं यही अमाल हमारे लिए दुनिया की तरक्की का सबब है रस्क की फरावानी के सबब है इज़्ज़त का सबब है दौलत का सबब है और दुनिया में कामयाबी का सबब भी आमाल है और किरदार हैं और आख़रत के कामयाबी का सबब भी आमाल है लिहाजा ये जो है अमल से ज़िंदगी बनती है ये दुनिया की जिंदगी भी है और आख़रत की ज़िंदगी भी है अल्लामा ने यानी यानिमाकबाल ने सिर्फ आख़रत पर नज़र किया है अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी उनकी निगाह सिर्फ जन्नत और जहन्नम की तरफ जो है वो चली गई है हकीकत में अमल वो असासी और बुनियादी चीज़ है जो दोनों जिंदगियों को बनाने वाली है दुनिया की ज़िंदगी भी अमल की वजह से और आखरत की जो ज़िंदगी है वो भी अमल की वजह से वरना ये इंसान न नूरी है ना नारी है और जब तक के वह आमाल नहीं करेंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे और उसी की गलत के गलत किरदार की वजह से ग़लत अफ़ाल की वजह से और ग़लत नज़रियात की वजह से गलत अकायद की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे लिहाजा जहन्नम में जो ले जाने वाली चीज़ है वो भी उसके बुरे किरदार हैं वो भी उसके बुरे अफ़ाल हैं वो उसके बुरे अख्लाक हैं जो उसको जहन्नमी बनाने वाली चीज़ें हैं और उसके अच्छे अमाल हैं जो इंसान को जन्नत में ले जाने वाली चीज़ें हैं इस वजह से कुरान पाक की मुतद आयात में अमल ईमान और अमल साल को सरमाए नजात करार दिया गया है और जैसे अभी सूर्य असर में आपके में बयान किया सूर्य मुबारक फुरक़ान की आयत नंबर सत्तर है जिसमें अल्लाह ताली ने इशात फरमाया है वन व अमीला अमलन सा फ़ुला क्यूबिल्ला सैतम हसनात व कान अल्लाफ़ूर रहीम अल्लाह बशर के लिए आमिल नजात खुशबी और शादित के अवामिल को बयान करते हुए नजात का रास्ता दिखाते हुए नजात का रास्ता बयान करते हुए और नजात के अवामिल को बयान करते हुए इर्शात नमाया इससे पहले यानी आयत नंबर सत्तर से पहले जहन्नमियों का जिक्र है अज़ाब और एकाप का ज़िक्र है लिहाजा अपने बुरे आमाल और मासीतों की वजह से कुफर और शिर की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे उसके बाद इसतना हुआ है इल्ला मगर वो लोग वो जहन्नम में नहीं जाएंगे उनके लिए अजीम मकाम हैं उनके लिए अजीम दर्जात है किन के लिए ला मनताबा जिन्होंने अपने गुनाहों से तोबा किया है यानी गुनाह करने के बाद फ़ौर जहन्नम में नहीं जाएगा अल्लाह ताली बंदे को तोबा का मौका देता है तोबा का फुरसत है आप मरने से पहले किसी भी वक्त आप तोबा करेंगे गिड़गड़ाएंगे अपनी वाजिबात को आप अदा करेंगे अपनी गुनाहों से आप तोबा और ख़ता करेंगे लोगों के हुकूक अगर आपने खाए हैं लोगों के हुकूक को जो है ना आप अदा करेंगे यानी सही मानों में जब आप तोबा करेंगे तो ताला आपकी तमाम ख़ताओं को माफ़ कर देगा तो तौबा आमिल नजात है साफ़ और वाजे लफ्ज़ों में फरमाया इससे पहले आयत में फरमाया कि ये सब जहन्नम में जाएंगे और सब एकाब वाले हैं जहन्नम वाले हैं इल्ला मगर वो लोग ताबा जो तोबा करने वाले हैं तोबे के ज़रिए से अपने गुनाहों को धोने वाले और अपनी मासीियतों को माफ़ करवाने वाले ये अहिल जन्नत है व आमना और दूसरा जो आमिल नजात है वो ईमान है और तीसरा फरमाया कि अमला अमलन अमिला उस शख़्स ने अमल किया है इबादत की है कौन सा अमल अमल अंसा बेहतरीन इबादत और आमाल अंजाम दिया है ये लोग आह जन्नत हैं ये लोग आहल शादत है अजीब आयत है शुर फ्रुरकान की आयत नंबर सत्तर जिसमें अल्लाह ने फरमाया है इन लोगों की गुनाहों को हम नेकियों से बदल देंगे यानी अगर इन्होंने गुनाह किया है मासीत की है उसके बाद अगर तोबा करेंगे हक़ीकी मानों में ईमान लाने वाले होंगे और अमल साले बजा लाएंगे तो हम न तनहा इनके गुनाहों को माफ़ कर देंगे इनके मासीतों को माफ़ कर देंगे इनको जन्नत में जगह अता करेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो वाकई मानों में तोबा करने वाले हैं ईमान के साथ साथ अमल साले करने वाले हैं हम इनकी तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे लफ्ज़ पर आप गौर करें थोड़ी तवज्जो करें एक तकी मतलब है आम तौर पर हमारी जहनों में ये बात है कि तबा करने से गुनाह माफ़ होते हैं और सारे गुनाहों को माफ़ किया जाता है फिर उसके गुनाह और उसके नाम अमाल में नहीं है कोई दब्बा कोई सियाही कोई गुनाह का असर नहीं है जैसे रिवायत में भी आया है अत मिनज़म कमल लाजम बला वो शख्स जो गुनाह से तोबा कर लेता है वो उस इंसान की तरह जिसने गुनाह किए ही नहीं है एक इंसान था जिसने गुनाह नहीं किया तो उसके नाम अमाल में तो गुनाह है ही नहीं है उसके गुनाह लिखा ही नहीं गया चूँकि गुना नहीं हुआ है लेकिन एक वो इंसान भी था जिसने गुनाह किया है तो उसके नाम अमाल में गुना लिखा गया लेकिन जब तौबा कर लिया तो कमल लाजम बला ये तोबा करने वाला उस इंसान की तरह होता है जिसने गुना किया ही नहीं है बस दोनों का गुना साफ़ है एक का शुरू से गुना नहीं ये वे वे गुना है ये भी काबिल है ये भी माफ जन्नती इंसान है उसका कोई गुना नहीं है और वो इंसान जिसका गुना था लेकिन तौबा कर लिया तो तौबा करने वाला उस इंसान की तरह होता है मन मल्लाजला जिसका कोई गुना था ही नहीं नतीजतन दोनों जन्नती है तोबा इंसान के लिए ला बायसे जन्नत है ये इंसान के जहनों में है लेकिन आयत बता रही है इससे आगे को एक मतलब है न तनहा हम इन मोमिन के गुनाहों को माफ़ कर देंगे इस शख़्स को उस शख्स की कतार तरा करार देंगे जिसने कोई गुनाह किया ही नहीं है बल्कि इसने जितने भी गुनाह किए थे इन तमाम गुनाहों को हम नेकियों से बदल देंगे फ़र्ज़ करते हैं एक इंसान उसने हज़ार गुनाह किया है हज़ार गुनाह उसके नाम अमाल में लिखा गया है और उसके नाम अमाल में हज़ार गुनाह मौजूद है अब ये बंदा वाकन शर्मिंदा हुआ है वाकन पशीमान हुआ है और पशीमान होने के बाद हकीकी मानों में तोबा किया है नदामत के आंसू में इस कदर रोया है अपने आप को नदामत के आंसू में डुबोया है और फिर साथ साथ अमल बजा लाया है वाह अमीला अमलन साल तन्हा ईमान और तोबे पर इतफ़ा नहीं किया है फिर इस गुनाहों को आमाल से जुबरान किया बेहतरीन आमाल बजा लाया है अल्लाह ताला इनकी जितने भी गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों को तब्दील कर देता है नेकियों से हसनात से और नेकियां जो है ना हर गुनाह के बदले में नेकियां लिखा जाता है किस कदर खुशब और खुश नसीब इंसान है उसकी नेकियां तो पहले से मौजूद हैं और वह जो गुनाह लिखे गए थे वो भी अब नेकियों में बदल गया हज़ार गुनाह किया था अल्लाह ताला उन हजार हजार ने उन हज़ार गुनाहों को हज़ार नेकियों से वो बदल दिया नतीजतन आपके अमल ने आपके न तनहा गुनाहों को दुलवाया है गुनाहों को माफ करवाया है आपके अमल ने आपके गुनाहों को नेकी में तब्दील कर दिया है इसी वजह से रिवायात में आया है कि जब मोमिन नेकी कर लेता है और इबादत कर लेता है आमाल बजा लाता है तो इसकी वजह से वो गुनाह का दब्बा तो दुल जाता है गुनाह के दब्बा दुलने के साथ साथ अल्लाह ताला गुनाह की जगह पर इसकी नेकी को लिख देता है किसने गुनाह नहीं किया इसने बल्कि नेकी किया है सारे गुनाह जो है वह निकी की हालत में जो है ना वो लिखा जाता है वो तहरीर किया जाता है और साथ साथ फरमाया वकान अल्ला गफ़ूर रहीम और अल्लाह ताला गफूर भी है बहुत ज़्यादा बख्शने वाली ज़ात है और रहीम भी है और इन जो है वो मेहरबान भी है लिहाजा मोमिन कराम इन आयात का ख़ुलासा ये है अगर आप अपने लिए नजात चाहते हैं खुशबी चाहते हैं आखरत के लिए अगर आप खुदा के रहमतों और ख़ुदा की मकफरत और दर्जा के खाहा हैं ये सब के सब आपके ईमान और आपके अमल साले पर मौकूफ़ मौक़ुफ़ अमल के बग़ैर और बेहतरीन ईमान के बगैर आखरत के दर्जात और ये आखरत के मकाम का मिलना मुमकिन नहीं है अब आमाल के हवाले से चूँकि गुफ्तु है अमाल के बहुत सारे मरातब हैं बहुत सारे दर्जात है हर अमल का मरतबा यकसानी है हर अमल का दर्जा यकसा नहीं है बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जिन आमाल को शरीयत ने अफ़ज़ल अफजलमाल दिया है और रिवायात में उन आमाल को तमाम आमाल पर अफजल और बेहतर करार दिया गया है इन आमाल की अजर व स्वाब भी बहुत ज़्यादा जो है वो रखा गया है इन शाला आप आइंदा जो कुछ गुफ्तु आपके अर्ज़ करना है के केनवान से बयान करना है यानी कौन कौन से आमाल हैं जो नहायत अफजल है बहुत ज़्यादा अजर व स्वाफ है और दीन मुकदस इस्लाम में उनको अफजल अमाल जो है करार दिया गया है एक शख्स ने हज़रत आल मोहम्मद से सवाल किया है यह रिवायत जो है बिहार में भी है और मीज़ान बाबल में मौजूद है किसी एक शख़्स ने सदक़ आ मोहम्मद से सवाल किया है यमन रसूल्ला आमाल में से बेहतरीन अमल क्या है अगर मैं अगर बेहतरीन अमल करना चाहूँ तो कौन से अमाल हैं जो अफज़ल अमाल है जिसका अजर सवाब सबसे ज़्यादा है सादिकाल मोहम्मद ने तीन अमाल को बरम फरमाया कि ये तीन आमाल सब अमाल सबसे अफजल है इससे अफजल इससे बेहतर अमल है ही नहीं है इन शाला आइंदा जो है रिवायात में आइंदा दुरूस में आपके खिदा में अफजल अमाल की एक फेरिस बयान करूँगा उम्मीदवार है कि आप इन अफजल अमाल को याद करके इसको जो है बजा लाएंगे जब सवाल ने साहिल ने सवाल किया सोलान अफजल अमाल कला खालसाद सलाम अफजलम असलातुलिवा सबसे पहला बेहतरीन और अफजल अमल नमाज को अपने अव्वल वक्त फजीलत में बजा लाना है मोमिनी ने कराम नमाज दिन मुक़दस इस्लाम की सुतून है और नमाज से अफजल और नमाज से बेहतर कोई भी इबादत नहीं है तमाम इबादत की जो मराज है मोमिन की जो महराज है अगर ये कबूल हो जाए तो सारी नकियाँ कबूल है वह नमाज़ की इबादत है सरवर कायनात का फरमान है इन कबीलत कबील कुभिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुदत मा सिवाहा अगर तुम्हारी नमाज कबूल है तो सारी नेकियां कबूल है अगर तुम्हारी नमाज रद्द की गई तो सारी नेकियां जो है ने ना वो बर्बाद है सब नेकियां रद्द कर दिया जाएगा साथ साथ फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुमा अलुमा बिहिल अब असला सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा जिस चीज़ के बारे में हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है लिहाजा मैं इंतहाई मुद्दवाना तौर पर आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ नमाज के बारे में सुस्ती ना कीजिए नमाज़ को अव्वल वक्त में पढ़ लीजिए नमाज को जमात के साथ अदा कीजिए नमाज़ को हजूर कल्ब के साथ और तवज्जु के साथ और अपने नमाजी होने के साथ साथ अपनी औलाद को अपनी बीवी को अपने बच्चों को अपने घर वालों को ख़ास तौर पर आपके साथियों को सोसाइटियों को दोस्तों को सबको नमाजी बनाने की कोशिश कीजिए अल मोहम्मद ने और क़ुरान पाक की आयात ने जिस चीज़ की बार बार ताकद की है बार बारिश बार बार की गई है वो नमाज का फरीजा है।, है वो नमाज है और वो भी अव्वल वक्त में अदा किया जाए न वो नमाज को जो आखिर की जाती में है अव्वल रिजवान आखिर गुफरान नमाज का अवल वक्त में पढ़ना ये रजाए इलाही का सबब है खुश नूदी परवरदिगार का सबब है कि जो अव्वल वक्त में नमाज़ अदा करते हैं उस पर ख़ुदा की रजा है खुशनुदी है और साथ, साथ ख़ुद ये नमाज़ उसके लिए दुआ देती है कि तूने मुझे बचाया अव्वल वक्त में अदा की खुदा तुम्हें महफूज रखे ये भी इमाम सादा का फरमान है जब इंसान नमाज को अव्वल वक्त में अदा करते हैं तो यह नमाज है वो बारगा इलाही में पहुँचती है और इन मोमिन को दुआ देती है हफीज तनी हफीज अल्ला तूने मेरी हिफाजत की तूने मुझे बचाया अव्वल वक्त में अदा की अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त करे बलाओं से मुसीबतों से तुझे बचाए जैसे तूने मुझे बचाया अल्लाह तुझे बचाए नमाज़ दुआ देती है लेकिन अगर नमाज़ को ज़ाया कर दिया गया तो उस वक्त नमाज़ बदुआ देती है जया तनी जया कल्ला तूने मुझे ज़ाया कर दिया तो ने मुझे अदा नहीं किया खुदा तुम्हें ज़ाया कर दे लिहाजा नमाज़ की इंसान को या दुआ मिलती है या नमाज़ की नफरीन और बद दुआ मिलती है और इसलिए हमें हुक्म है कि नमाज को अव्वल वक्त में अदा किया जाए लिहाजा सबसे सब पहला अमल जो है वो नमाज को अव्वल वक्त में अदा करना अफजल अमाल में से है और दूसरा अमल वालिदैन माँ बाप के साथ नेकी करना ये भी देखें आप चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है इनतहाद्दबाना गुजारिश है कुरान पाक की आयात में मासूमिन की रिवायात में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा सिफारिश की गई है वो माँ बाप के साथ नेकी करना है एहसान करना है माँ बाप की इताअत करना है माँ बाप की फरमानबरदारी करना है कई आयात में मौजूद थे वबिलदेन एहसाना तो माँ बाप की जो है ना वो साथ नेकी करते रहो एहसान करते रहो उनकी खिदमत करते रहो ये आज़म इबादत में से बुज़ुर्ग तरीन अमाल में से इस वजह से साद मोहम्मद फरमाया अफजल अमाल में से सबसे पहले नमाज को अवल वक्त में अदा करना है और दूसरा जो है बिरुलवालद्देन अपने माँ बाप के साथ नी करना है और तीसरा जो है वलजहादी सबी राह इलाही में जिहाद करना है जिहाद भी इमाम सादों ने फरमाया अफजल अमाल में से है यानी जिहाद का मानी यह है एक मरतबा दुश्मन के मुकाबिल में जाकर दीन से दिफा करते हुए दीन की तकवीत और दीन को नुसरत पहुँचाते हुए दीन के दुश्मनों को नाबू करते हुए मैदान जंग में जहाद करना मैदान जंग में लड़ना ये एक जहाद की कस्म है लेकिन इस्लाम में इससे भी एक बड़ा जहाद मौजूद है जिसको जहाद अकबर कहा गया है वो दुश्मनों के साथ लड़ने को जहाद असगर करार दिया है वो जहाज जो जहाद अकबर है अपने नफ्स को बुराइयों से रोकना अपने नफ्स को गुनाहों से रोकना अपनी, नफस अपनी ख्वाहिश नफसानी को लगाम देना यानी जहाद बिन नफ्स आज़म जहाद में से है अब इस रिवायत पर आपके जहमतों को तमाम करना चाहता हूँ सरवर कायनत एक जंग से जब वापस आ रहे थे मदीने में तो पैगमन फरमाया मर हबन बे कजो अल जहाद अल असगर व बाकी आल अल अकबर पैगम्बर ने फरमाया मरहबा हो उस कौम पर जिन्होंने जहाद असगर को बजा लाया और जहाद असगर में कामयाब हुए हैं कामयाबी के साथ पलट रहे हैं लेकिन अब बाकी है जहाद अकबर अब बाकी है अब बड़ी जंग जो है वो बड़ा जो जहाद है वो अब बाकी है असहाब घबरा गए या रसोल्ला इसके मतलब कोई और ख़तरनाक जंग है जिसमें हमने जाना है जो जहाद अकबर आप फरमा रहे हैं और इससे जो है ना बड़ा जो है ना वो जहाद है पैगम्बर ने फरमाया जहाद अकबर अब खारिजी दुश्मनों से लड़ना दुश्म मैदान जंग में लड़ना ये नहीं है जहाद अकबर ये जहाद अकबर है कि ये लम्हा ब लम्हा अपने गुनाह को अपने नफ्स को गुनाहों से रोकना और अपने नफ्स को खामियों से रोकना झूठ ना बोलना जहाद अकबर है गबत ना करना जहाद अकबर है नामहरम की तरफ निगाह ना करना जहाद अकबर है अपने बीवी और बच्चों के हकूक़ को अदा करना जहाद अकबर है अपने आप को बतखलाक़ी से बचाना जहाद अकबर है आपको गुस्सा आ रहा था आपने गुस्से पर कंट्रोल किया ने फरमाया फरमाए जहाद अकबर है हराम का लुमा आपके सामने आ गया था आपने हराम नहीं खाया ये जहाद अकबर है आपको बहुत पैसा मिल रहा था नाजायज तरीके से अब आपका नफ्स तो कह रहा था ले लो लेकिन आपका ईमान कह रहा था नहीं नाजायज तरीके से नहीं लेना चाहिए आपने उस हराम दौलत को आपने रद्द कर दिया आपने तर्क कर दिया ये बहुत बड़ा जो है ना जिहाद है लिहाजा जिहाद अकबर अपने नफ्स को गुनाहों से ख़ताओं से और फिर मासीतों से और ख़ास तौर पर अखलाक़ी बुराइयों से बचाना ये जहाद अकबर है इसी वजह से हज़रत ग्यारहवें सरकार इमाम हसन अस्करी का फ़रमान है मल मुजाहिदुल अकबर इल्ला अंतरक जुनूब यानि सबसे बड़ा जो मुजाहिद है दुनिया का सबसे बड़ा जो मुजाहिद है वो इंसान है जिसने गुनाहों को तर्क किया है गुनाह को तर्क करने वाला जो इंसान है वो मुजाहिद अकबर है खुद गुनाह का तर्क करना वो जहाद अकबर है इलाही में दुआ करते हैं खुदा परवरदिगार सदक आल मोहम्मद ने नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ना जहा अफजल अमाल फरमाया है और माँ बाप के साथ निकी करना बेहतरीन अमल करार दिया है और अपने नफ्स को गुनाहों से मासीतों से रोकना जहाद अकबर करार दिया है खुदाया हमें तेरी इबादत करने की तेरी बंदगी करने की और ये जो अफजल आमाल आल मोहम्मद ने बयान फरमाया है इनको बजा लाने की तोफ़ी अता फ़रमा खुद